नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवन लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। ऊना में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने पंजाब से दो लोग लिए हिरासत में। धसते लगा 800 करोड़ की लागत से बना फोर लेन सोलन में जोखिम भरा हुआ सफर, एनएचएआई ने जारी किया नोटिस। प्रधानमंत्री के मंडी दौरे के दौरान राज्यपाल को चार्जशीट सौंपने की तैयारी में कांग्रेस। 250 टीजीटी लेक्चरर बने हेडमास्टर, शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने दिया तोहफा। 15 सितंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टली। विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में होगी तीनों सेना के पायलटों की प्रतियोगिता। भुंतर में पंजाब के चरस तस्कर गिरफ्तार, नाकाबंदी के दौरान गाड़ी में मिला आधा किलो काला सोना। सोलन में उगाई 1 लाख रुपए किलो बिकने वाली मशरूम, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड। प्रदेश में लंपी वायरस बनी महामारी, अब तक 64,000 पशु बीमारी की चपेट में। मौसम ने फिर बदली करवट, 15 व 16 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।